एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर हुआ घमासान। टाइम गॉड के लिए क्यों बुलाया? बिग बॉस ने विविन डिसेना को ईशा के साथ कन्फेशन रूम में मिली ईशा को बड़ी सजा। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। बिग बॉस के घर के अंदर आपको बता दें कि विविन डिसेना टाइम गॉड बन चुके हैं और यहां पर सबसे गंदा खेल खेला ईशा ने। जी हां, ईशा चाहती थी कि वो टाइम गॉड के लिए बन जाए दावेदार, लेकिन बिग बॉस ने ईशा की क्लास लगा दी। बिग बॉस ने ईशा सिंह को बुलाया विविन डिसेना के साथ कन्फेशन रूम के अंदर। कन्फेशन रूम के अंदर बुलाकर ईशा से ये पूछा कि ईशा, आप हर बार ये कहती हो कि आप हमारी लाडली बनना चाहती हो, लेकिन क्या आपने लाडली बनने लायक कोई भी काम इस घर के अंदर करा है? ऐसे में ईशा ने कहा कि मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपना गेम इस घर में खेल रही हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाहर दर्शक भी मेरे गेम को पसंद कर रहे होंगे। ऐसे में बिग बॉस ने कहा, लेकिन आपने बीते हफ्ते इस घर में बहुत सारी गलतियां की हैं और इसीलिए आप अभी भी हमारी लाडली बनने लायक हो ही नहीं, और आपको हम इस हफ्ते भी टाइम गॉड के लिए नहीं चूज करने वाले हैं, बल्कि हम कर रहे हैं दो ऐसे कंटेस्टेंट को चूज जो इस घर में कहीं ना कहीं लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी कि विविन और करणवीर। और ऐसे में ईशा को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम से बाहर भेज दिया। बिग बॉस ने ईशा से कहा कि हमें विविन से बात करनी है और तुम बाहर चली जाओ, जिसके बाद ईशा बाहर चली गई। और बिग बॉस ने विविन डिसेना को बताया कि एक फाइल रखी है, आप उसको उठाइए और उसको लेकर बाहर जाइए। घर में टाइम गॉड की जंग होनी है और घर वालों के हिसाब से आप दोनों घर में दोस्त हैं या दुश्मन हैं, ये क्लियरिटी अभी तक नहीं हो पाई है, और कौन इस घर का लीडर बनने का दम रखता है ये भी हम देखना चाहते हैं। और ऐसे में घर में एक महासंग्राम होगा और देवसेना बनेंगी शिल्पा, और आप और करण दोनों बताएंगे कि आखिर देवसेना के इस घर का असली हकदार कौन है। वेल, दोस्तों, मजा आ गया। बिग बॉस ने तो ईशा को सही सुना दिया। आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।